हेलो स्टूडेंट्स, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट मैपिंग। इससे पहले हमने एसोसिएटिव मैपिंग पढ़ा था। एसोसिएटिव मैपिंग में एसोसिएटिव मेमोरीज का यूज़ करके हम कैश मैपिंग करते थे। नाउ एसोसिएटिव मेमोरीज एक्सपेंसिव होती हैं कंपैरेटिवली रैंडम एक्सेस मेमोरीज के। ये एक्सपेंसिव क्यों होती हैं? बिकॉज हर सेल के साथ अटैच्ड मैचिंग लॉजिक होता है एसोसिएटिव मेमोरी में। सो बिकॉज ऑफ द एडेड मैचिंग लॉजिक एसोसिएटेड विथ ईच सेल, एसोसिएटिव मेमोरीज काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। सो दूसरा ऑप्शन रहता है रैंडम एक्सेस मेमोरीज को यूज़ करने का। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी का अगर हम यूज़ करते हैं कैश बनाने के लिए, तो जनरली डायरेक्ट मैपिंग का यूज़ किया जाता है। सो डायरेक्ट मैपिंग बहुत ही सिंपलेस्ट टेक्निक है। जनरली मेन मेमोरी ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है और कैश मेमोरी लाइन्स में डिवाइडेड होती है। तो मेन मेमोरी का एक ब्लॉक हमेशा एक ही किसी कैश लाइन में आके स्टोर होता है, और वी कैन से कि इट असाइंस ईच मेमोरी ब्लॉक टू अ स्पेसिफिक लाइन इन अ कैश। इसे समझने के लिए हम इस तरीके से समझेंगे, मेन मेमोरी जनरली ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है। मेन मेमोरी जनरली ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है, ब्लॉक जीरो, ब्लॉक वन एंड सो ऑन, ब्लॉक एन माइनस वन। हर ब्लॉक डिफरेंट नंबर ऑफ वर्ड्स को कंटेन कर सकता है, सपोज वर्ड वन, वर्ड टू, वर्ड थ्री। सो एक ब्लॉक में, वन ब्लॉक में कंटेन वन वर्ड टू 16 वर्ड्स। सो ये डिपेंड करता है कि एक ब्लॉक में कितने वर्ड्स स्टोर हैं। कैशेस जो होती हैं, कैश मेमोरीज जनरली लाइंस में डिवाइडेड होती हैं। नाउ ईच ब्लॉक जो होता है किसी स्पेसिफिक लाइन में आके ही स्टोर होता है। अगर यहाँ पहले से कोई ब्लॉक स्टोर था, अगर वो मूव होता है, तो मूव होने के बाद यहाँ से कोई भी ब्लॉक यहीं आके असाइन होगा। सो वी कैन से कि इट मैप्स ईच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी इनटू ओनली वन पॉसिबल कैश लाइन। इन डायरेक्ट मैपिंग जो सीपीयू एड्रेस होता है, या हम कह सकते हैं एड्रेस स्पेस, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इफ दिस इज अ सीपीयू एड्रेस, देन इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। One is index and another is tag. Least significant bits refer to index and most significant bits refers to tag. So CPU address को हमने दो parts में divide कर लिया है, tag और index field में। अब main memory को अगर access करना चाहेगा CPU, तो main memory को access करने के लिए ये complete CPU address जो कि 15 bits का है, उसे यूज़ करेगा। क्यों यूज़ करेगा? इसे समझने के लिए हम मेन मेमोरी को साइज़ पे ध्यान देंगे। मेन मेमोरी की साइज़ मैंने बताया था 32K x 12 है। इट मींस इससे हम निकाल सकते हैं कि इस मेन मेमोरी में एड्रेस बिट्स कितने होंगे। एड्रेस इक्वल्स टू 15 बिट्स लॉन्ग। 32K से हम इसे अगर निकालते 2 की पावर्स में, तो ये 2 की पावर्स 15 आएगा। इट मींस एड्रेस बिट्स 15 बिट्स के होंगे और डेटा कितने बिट का होगा? 12 बिट्स का होगा। बिकॉज एड्रेस 15 बिट्स का है, इट मींस जब सीपीयू मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा, तो ये कंप्लीट 15 बिट का जो एड्रेस है उसे एक्सेस करेगा। और कैश मेमोरी का ही सेम सिमिलरली आप निकाल सकते हैं। कैश मेमोरी की साइज है 5 x 12 x 12। इट मींस जब सीपीयू कैश मेमोरी को एक्सेस करेगा, तो उसे कितने बिट का एड्रेस लगेगा? एड्रेस बिट्स निकालने के लिए 512 को 2 की पावर्स में निकालिए, तो 2 की पावर्स में 5 x 12 = 2^9 होता है। इट मींस एड्रेस बिट्स जो रहेगा वो 9 बिट्स का होगा और डेटा यहाँ भी सेम 12 बिट्स का होगा। सो अगर एड्रेस 9 बिट्स का है, सो डेफिनेट सी बात है सीपीयू को 9 बिट का एड्रेस यूज करना पड़ेगा कैश मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। बट हमारा सीपीयू एड्रेस कितने बिट्स का है? 15 बिट्स का। सो इसके लिए ही इंडेक्स फील्ड है। तो
इंडेक्स फील टैग फील कितने बिट्स की होगी, बिकॉज कैश मेमोरी में एड्रेस 9 बिट्स का यूज हो रहा है, इट मींस हमारा इंडेक्स फील 9 बिट्स का होगा। 15 में से माइनस करेंगे 9 तो आएगा 6 बिट्स, तो बचे हुए 6 बिट्स टैग बिट्स को, टैग फील को रिप्रेजेंट करेंगे। सो अब जो इंडेक्स फील है 9 बिट का, ये यूज होगा कैश मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। एंड मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए दोनों ही फील्स, टैग और इंडेक्स फील, दोनों बिट्स यूज होंगे। इट मींस एक टैग बिट भी यूज होगा, साथ ही साथ इंडेक्स बिट भी यूज होगा। तो अगर हम 15 बिट्स को ऑक्टल में लिखेंगे, सो वी कैन राइट 00000, 15 बिट्स को हम 5 ऑक्टल डिजिट्स में लिख सकते हैं। सो दिस अप टू टोटल एड्रेस 77777। तो टोटल 15 बिट के एड्रेसेस हम ऑक्टल नंबर्स में इस प्रकार से लिख सकते हैं। सो ये इनका एड्रेस स्पेस हो गया। वैसे ही जब हम कैश मेमोरी को एक्सेस करेंगे, कैश मेमोरी को एक्सेस करने में हमें टोटल 9 बिट का एड्रेस लगेगा, जिसमें से हम इंडेक्स फील्ड को यूज करेंगे कैश मेमोरी को एक्सेस करने में। टैग का भी यूज होगा, बट टैग का यूज हम इंटरनली कैश मेमोरी में इसे स्टोर करेंगे और मैच करके बाद में उसमें से डेटा निकालेंगे। सो अगर हम 9 बिट का एड्रेस करें तो 9 बिट को हम 3 ऑक्टल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये 000 से 777 तक इसका ऑक्टल एड्रेस रेंज है। सो इस तरीके से ये हो गई हमारी मेन मेमोरी और ये हो गई हमारी कैश मेमोरी। सो अगर सीपीयू एड्रेस 15 बिट्स का है तो इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट 15 बिट एड्रेस को यूज कर सकते हैं मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, और ये 9 बिट के इंडेक्स फील्ड को यूज कर सकते हैं कैश मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। सो इन जनरल अगर हम बात करें तो अगर हमारी मेन मेमोरी 2 to the power n वर्ड्स की है और हमारी कैश मेमोरी 2 to the power k वर्ड्स की है इन केस, सो n बिट मेमोरी किसके लिए यूज होगा, यहां लिख लेते हैं। इफ मेन मेमोरी इज ऑफ 2 to the power n वर्ड्स एंड कैश मेमोरी इज ऑफ 2 to the power k वर्ड्स, देन ये जो n बिट मेमोरी एड्रेसेस हैं, ये n बिट मेमोरी एड्रेस ये डिवाइड हो जाएगा दो फील्ड्स में, वन इज टैग अनदर इज इंडेक्स, जिसमें से बिकॉज हमारी कैश मेमोरी टोटल कितने वर्ड्स की है, 2 to the power k वर्ड्स की है, तो इंडेक्स फील्ड हमारा कितने बिट का होगा, k बिट्स का होगा। इंडेक्स फील्ड की साइज क्या होगी वो कैश मेमोरी के साइज से पता चलेगा, और रिमेनिंग जो बिट्स बच गए हैं दैट इज n माइनस k बिट्स, ये हो जाएगा टैग फील्ड। n बिट एड्रेस इज यूज टू एक्सेस द मेन मेमोरी एंड दिस k बिट्स इंडेक्स इज यूज टू एक्सेस द कैश मेमोरी। नाउ डायरेक्ट मैपिंग का हम एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि कैश मेमोरी का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है और मेन मेमोरी का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। अभी इस एग्जांपल में हमने देखा था मेन मेमोरी की साइज से हमने एड्रेस एंड डेटा बिट्स निकाले, कैश की साइज से हमने एड्रेस एंड डेटा बिट्स निकाले। सो टोटल एड्रेसेस 15 बिट्स के हैं। सो मेन मेमोरी में जो ऑक्टल नंबर्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 00 and 000, ये टोटल 5 डिजिट के ऑक्टल नंबर हुआ। इट मींस जो फर्स्ट के दो डिजिट्स हैं ये टैग को शो कर रहे हैं एंड लास्ट के 3 डिजिट्स इंडेक्स को शो कर रहे हैं, जबकि कैश मेमोरी में जो 3 बिट्स हैं ये इंडेक्स फील्ड को रेफर करते हैं। अब इंडेक्स फील्ड हमने कैश मेमोरी को रेफर करने के लिए यूज़ कर लिया, अब टैग का यूज़ कैसे हो रहा है, टैग का यूज़ कैसे हो रहा है उसे समझने के लिए हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कैश का। कैश में इंटरनली जो स्टोर रहता है डेटा के साथ उसका एसोसिएटेड टैग बिट भी स्टोर रहता है। इंडेक्स फील्ड हमने देखा कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एड्रेस, वन इज इंडेक्स फील्ड एंड वन इज टैग फील्ड, इसमें सीपीयू एड्रेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और इंडेक्स के थ्रू हम कैश मेमोरी को एक्सेस करते हैं, और ये जो टैग बिट है ये हमारा इंटरनली स्टोर होता है डेटा के साथ कैश मेमोरी में, ठीक है। सो इसलिए अब आप देख रहे हैं इसका रेंज है 000 to 777। तो मेन मेमोरी की रेंज है 00000 से लेकर आगे तक और जाएगा, मैंने सारे एड्रेसेस नहीं लिखे हैं,
777777 तक, जिसमें से आप देख रही है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, टैग और इंडेक्स में। सो ये इंडेक्स को हम यूज़ कर रहे हैं कैश मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, और इस टैग को हम डेटा के साथ यहाँ पे स्टोर करके रख रहे हैं। सो अब अगर सीपीयू को अगर एक्सेस करना है मेन मेमोरी को, तो ये कंप्लीट 15 बिट एड्रेस का यूज़ करेगा इसके डेटा को एक्सेस करने के लिए, और अगर कैश मेमोरी को एक्सेस करेगा तो इंडेक्स फील्ड को एक्सेस करेगा और मैच करेगा उसके टैग बिट को कि एसोसिएटेड टैग मैच हो रहा है कि नहीं। सो इन केस सपोज एग्जांपल के लिए अगर सीपीयू एक्सेस करना चाह रहा है 0000 एड्रेस, तो सबसे पहले कैश मेमोरी में वो सर्च करेगा इंडेक्स फील्ड में जो भी एड्रेस 000 दिया है उसे, तो सबसे पहले वो मैच करेगा 000 पे। तो 000 पे जाके उसे कौन सा टैग मिलेगा, 00। सीपीयू 00 टैग को मैच करेगा कि टैग 00 है या नहीं। टैग 00 है इट मीन्स ये एड्रेस जो सर्च करना चाह रहा है सीपीयू वो प्रेजेंट है कैश मेमोरी में और यहाँ पे हिट अकर हुआ है और ये डेटा रीड कर लेगा। तो इस केस में हिट अकर होगा बिकॉज डेटा प्रेजेंट है कैश में, डेटा इज इन कैश। नाउ सपोज अगर सीपीयू एक्सेस करना चाह रहा है 00001000, इस केस में क्या होगा, इंडेक्स फील्ड से सर्च करेगा और इस इंडेक्स पे गया, इस इंडेक्स पे जाने के बाद वो देखेगा टैग बिट, टैग बिट करेंटली वो चाह रहा है 01, बट कैश में क्या प्रेजेंट है 00। इट मींस यहाँ पे कैश मिस हो जाएगा, मींस जो एड्रेस वो एक्सेस करना चाह रहा है 01000 ये कैश में प्रेजेंट नहीं है, कैश में प्रेजेंट है 00000, ये वाला एड्रेस प्रेजेंट है, ये वाला एड्रेस प्रेजेंट नहीं है, इट मींस कैश मिस अकर हुआ। अब इस केस में डेटा को रीड करने के लिए सीपीयू कहाँ जाएगा, मेमोरी के पास जाएगा। तो मेमोरी के पास ये वाला डेटा यहाँ पे मिस हो गया था, मिस होने के बाद सीपीयू गया मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में जो भी 01000 में डेटा रखा होगा उसे रीड कर लेगा, ये वाला डेटा है 01000, इस जगह पे 3450 वो डेटा को रीड कर लेगा और इसे कहाँ स्टोर कर लेगा, इसे रिमूव करके, बिकॉज टैग पहले हमारा 00 था बट अब टैग क्या है 01 है, इस एड्रेस को एक्सेस करना चाह रहा है, तो इसे रिप्लेस करके इस डेटा को रिमूव करके वो यहाँ पे 3450 रख लेगा। वैसे ही सपोज अगर वो एक्सेस करना चाहेगा 02000, नाउ इस केस में क्या होगा, अगेन इंडेक्स तो हमारा 000 है, टैग इज 02, टैग अगर 02 है इट मींस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, अगेन यहाँ पे भी मिस होगा। देन क्या करेगा, अगेन वो जाएगा यहाँ से रीड करेगा डेटा मेन मेमोरी से और इसको ट्रांसफर कर देगा कैश मेमोरी में सेम 000 लोकेशन में और इस टैग को हटा के वो 02 रख देगा। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि इस तरीके से अगर हम सेम इंडेक्स लोकेशन वाले एड्रेसेस, जैसे कि इसका इंडेक्स भी 000 है, इसका इंडेक्स भी 000 है, इसका इंडेक्स भी 000 है, इस तरह के एड्रेसेस अगर बार बार हम एक्सेस करते हैं तो हिट रेशियो ड्रॉप हो जाता है। क्यों ड्रॉप होता है, बिकॉज यहाँ पे टैग की वैल्यूज अलग अलग है, इंडेक्स तो सेम है ये सब एड्रेसेस का बट टैग की वैल्यूज अलग अलग है, टैग अलग होने से उसे हर बार मिस मिल रहा है और मिस की वजह से उसे डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना पड़ रहा है, इवन द इंडेक्स फील्ड इज सेम। सिंप्लिसिटी के लिए अभी हमने इस एग्जाम्पल में वन ब्लॉक की साइज 1 word ही ली है। नाउ अब इस एग्जाम्पल में हमने एक ब्लॉक की साइज ली है 8 words की, तो इस केस में हमारी इंडेक्स फील्ड को हम अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इन ब्लॉक फील्ड, अनदर इन वर्ड फील्ड। कैसे करते हैं और इस बिट की नंबर्स कितने होते हैं इन फील्ड्स में, सो कैश मेमोरी की साइज़ हमने देखी थी 512 वर्ड्स की है, तो अगर टोटल साइज़ कैश की 512 वर्ड्स है और गिवन है कि 1 block इक्वल्स टू 8 words है, ठीक है, मींस कैश को हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है और एक ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ 8 words हैं, जैसे कि ये ब्लॉक नंबर 0, ब्लॉक 0 में टोटल 000 से लेके 007 तक हमने एड्रेसेस लिए हैं, मींस टोटल एक ब्लॉक में 8 words हैं, 0 से लेके 7 मतलब टोटल 8 words, वैसे ही ब्लॉक
वन है, यहाँ भी टोटल एट वर्ड्स हैं, तो वन ब्लॉक इक्वल्स टू एट वर्ड्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे ये कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स ये हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो बिकॉज टोटल साइज है 512 वर्ड्स की, सो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, एक ब्लॉक कितने वर्ड्स का है? एट वर्ड्स का है, तो अगर एट वर्ड्स में डिवाइड करते हैं तो टोटल कितने ब्लॉक्स आ जाएंगे? 64 ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो टोटल 64 ब्लॉक्स को एक्सेस करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ बिट्स चाहिए है? 64 को हम 2 to the power 6 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये 6 शो करता है कि ब्लॉक्स में कितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे, तो ब्लॉक इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? 6 बिट्स। इसलिए अब ये ब्लॉक की साइज कितनी हो जाएगी? 6 बिट की। टैग की हमें पहले से ही पता है, टैग 6 बिट्स आ गए हैं। इसी तरीके से हम वर्ड्स में भी निकाल सकते हैं। सो एक ब्लॉक में हमने बताया टोटल 8 वर्ड्स हैं, तो इस हिसाब से 8 को अगर हम पावर ऑफ 2s में निकालते तो 2 to the power 3 वर्ड्स आएंगे। सो ये 3 शो करता है कि वर्ड में कितने नंबर ऑफ बिट्स हो गए? 3 बिट्स हो गए, तो हम यहाँ 3 निकाल सकते हैं। या फिर हम डायरेक्टली, बिकॉज हमें मालूम है कि इंडेक्स जो हमारा है वो 9 बिट्स का है, सो इंडेक्स अगर 9 बिट्स का है और ब्लॉक अगर 6 बिट्स का है, तो रिमेनिंग 9 - 6 3 बिट्स हमारे वर्ड्स के निकल जाएंगे। सो अगर आपको इंडेक्स को समझना है तो आप यहाँ रेफर कर सकते हैं, या अगर ये इंडेक्स एड्रेस है तो इंडेक्स एड्रेस को अगेन 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो स्टार्टिंग के जो ऑक्टल नंबर्स दिख रहे हैं 00, ये ब्लॉक को शो कर रहे हैं, एंड लास्ट का जो नंबर है वो वर्ड के लिए है। इट मीन्स ये 6 बिट जो कि 2 ऑक्टल डिजिट से शो हो रहा है, और ये 3 बिट्स वर्ड का, ये 1 ऑक्टल नंबर से शो हो रहा है। तो अगर हम देखें फर्स्ट ब्लॉक जो कि ब्लॉक 0 है, तो ब्लॉक 0 मीन्स 00, 00 फॉर ब्लॉक 0, 01 फॉर ब्लॉक 1, एंड सिमिलरली 64 ब्लॉक्स तक हैं, तो 0 से लेके 63 ब्लॉक्स मीन्स लास्ट वाले का 77। सो ये कॉमन एक ब्लॉक में टोटल 8 नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, 0 से लेके 7 तक, मतलब टोटल 8 वर्ड्स इन वन ब्लॉक। सिमिलरली 0 to 7 8 वर्ड्स। तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स जो दिख रहे हैं ये ब्लॉक नंबर शो हो रहे हैं, और नेक्स्ट वाला एक बिट जो है वो वर्ड को शो कर रहा है। नाउ इस डायग्राम को अगर देखें तो आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जो टैग फील्ड है, टैग फील्ड कैश के अंदर जो दिखाई दे रही है, इट इज़ कॉमन फॉर ऑल दी 8 वर्ड्स, ऑल दी 8 वर्ड्स ऑफ द सेम ब्लॉक। सो अगर कभी भी मिस अकर होता है, मीन्स अगर हम कोई ऐसा वर्ड एक्सेस कर रहे हैं जो कैश में प्रेजेंट नहीं है और कैश मिस अकर हुआ, तो वो वर्ड मेमोरी से सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं होगा, पूरा का पूरा ब्लॉक, वो वर्ड जिस ब्लॉक में है वो ब्लॉक पूरा का पूरा कैश मेमोरी में ट्रांसफ़र होगा। इसमें हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन हिट रेशियो इम्प्रूव होगा डेफिनेटली, बिकॉज सिक्वेंशियल नेचर होता है प्रोग्राम का, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से इसका हिट रेशियो इंक्रीज हो सकता है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मैपिंग।